हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूखे काले चने की रेसिपी। जैसा कि नवरात्रि का दिन चल रहा है और आज हमारा अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथि पड़ रहा है, और हर एक घरों में जो है माता रानी का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। माता रानी के स्वागत में 9 कन्या पूजन होती है और उसमें जो प्रसाद बनता है हमारा महाप्रसाद कहते हैं, सूजी का हलवा, काले चने की रेसिपी और पूड़ी सारे घरों में लगभग बनाई जाती है कन्या पूजन के दौरान। तो ये मैंने आपके साथ शेयर की है सूखे चने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे से आप इसे तैयार कर सकते हैं घर पे, बहुत ही अच्छे मसालेदार कोटिंग्स के साथ जो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो चलते हैं रेसिपी के साथ। आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें। जय माता दी दोस्तों, चलते हैं वीडियो के साथ और बनते हैं इस वीडियो में। तो सूखे काले चने की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये चने ले लिए हैं और ये लगभग एक कटोरे के चने हैं। आप चाहे तो मेजरमेंट के लिए एक कप यूज़ कर सकते हैं या फिर एक कटोरे, उससे मैंने एक कटोरे का लगभग दो भर को ही फूलने दे दिया था। और वैसे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 घंटे में चने काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं, बट मैंने दो भर को इसे दे दिया था फूलने। ये फूल चुके थे, फिर मैंने इसे कटोरे में निकाल दिया। ये थोड़े थोड़े से हल्के अंकुरित होना शुरू हो गए थे, बट कोई नहीं, फिर मैंने इसे बनाना शुरू किया। तो चलिए, बनाने के लिए हमें चाहिए इसमें 1/2 चम्मच का हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और ये ज़ीरा का पाउडर, स्वाद के अनुसार आप नमक दें, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा आपको दे देना है धनिया का पाउडर। तो आप ये सारे पाउडर को एक बाउल में निकाल लें और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका एक बेस्ट सा स्लरी बना लें। स्लरी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी, क्योंकि इसे हमें डायरेक्ट ही डालना है ऑयल में। चलिए, तो फिर हमारे ये मसाले का मैशअप रेडी हो चुका है। इसे मैंने रेस्ट में रख दिया है और इधर मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है। इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच का कहा जाए तो ऑयल, आप चाहे तो घी में भी रेडी कर सकते हैं। साथ इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है अच्छे फ्लेवर के लिए, और आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 बारीक टमाटर कट करके बहुत ही अच्छे से, और इसके बाद हमें यूज़ कर लेना है जो मैंने मसाले का स्लरी बनाया था। तो इसे डालने के बाद हमें लो टू मीडियम फ्लेम के बीच इसे अच्छे से चलाना है। मसालों का भुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इससे क्या होता है कि जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। जो भी हम रेसिपी बना रहे होते हैं तो मसालों का भुनना सच में बहुत मायने रखता है। इसके बाद जो है हम चने डाल देंगे। तो बहुत लोग जो ये बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, चने को बॉयल कर देते हैं, वो भी सही है, आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कम समय बना सकते हैं। तो इसे हमें मसालों के साथ 2 से 4 मिनट अच्छे से भून लेना है। तो हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, चनों के साथ बहुत ही अच्छे से कोट हो चुके हैं, और अब जो है इसमें पानी डालने की बारी आई है। तो पानी आपको इतना ही डालना है जिससे कि चने अच्छे से कवरअप हो जाए, और इसे हमें मीडियम फ्लेम में 1 से 2 स्टीम अच्छे से देना है। तो ये देखिए, मैंने 1 स्टीम दे दिया है इसे, और 1 स्टीम देने के बाद मैंने ढक्कन हटाया और इसे मैं चला कर चेक करूँगी दोबारा। अभी हमें इसे एक बार और ढकना होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट आप इसे ढके, ज़्यादा नहीं। ये स्टीम के थ्रू काफ़ी अच्छे से बन जाती है, और जितने पानी मैंने यूज़ किया चने को कवरअप करने के लिए वो काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। फाइनली लास्ट में मैंने डाला है इसमें 1/2 चम्मच का गर्म मसाला, जिससे कि इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी और काफ़ी अच्छा लगेगा यह टेस्ट में। तो हमारी चने देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है और बहुत ही प्यारा सा मसाला का कोटिंग्स हो चुका है, और चने भी काफ़ी अच्छे बन गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए हमारे चने, ये देखिए फट गए हैं बिल्कुल, इसे मैं प्रेस करके दिखाती हूँ। तो आप चाहे तो इस प्रोसेस से भी आप चने जो है मसाला चना बना सकते हैं, या फिर आप कुकर में आपको लगता है कि बॉयल करना है तो वो भी बना सकते हैं, वो भी इजी वे से है।
तो हमारे जो है काले चने की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसे खूब सारा प्यार दें। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर इसे बनाएं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में इतने देर बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय माता दी दोस्तों।